हमारे पास फफूंद नाशी है, तो फफूंद नाशी का इस्तेमाल हम लोग सीड ट्रीटमेंट के रूप में यानी कि बीज को उपचार करने के रूप में कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बेनलेट या बेनोमाइल के साथ साथ थीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% बेनलेट ले लिया और 50% थीरम ले लिया, तो इन दोनों का मिश्रण यानी कि 1.5-1.5 ग्राम अगर लेते हैं तो 3 ग्राम प्रति किलो बीज में ट्रीट करके उपचार करके फिर उसको हम लोग लगा सकते हैं। या अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो कार्बेंडाजिम जो कि बेबिस्टिन नाम से भी आता है, मार्केट में बहुत प्रचलित है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे सीधे 3 ग्राम प्रति किलो बीज। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक उपाय है जो कि है जैव जीवनाशी, तो उसमें ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा हमारे पास है। ट्राइकोडर्मा कोई विश्वसनीय सोर्स से ही लेना चाहिए, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी भी ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस कर रही है, तो हम लोग कोई विश्वसनीय सूत्र से ही ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे लेंगे, तो उसके साथ भी हम लोग बीज का उपचारित कर सकते हैं। बीज को कैसे उपचारित किया जा सकता है इसके लिए हम लोग एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग करके भी दिखाएंगे, तो हम लोग उस पार्ट को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। अब अगर आपके खेत में ये बीमारी लग गई है या आप किसान भाई देख रहे हैं कि अभी ये बीमारी लगना शुरू हो गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक विधि है कि ड्रेंचिंग एक है विधि उपाय उसमें कर सकते हैं। किसान भाई आप देख सकते हैं कि पूरे खेत में ये बीमारी नहीं लगी है, पूरे खेत में ये बीमारी नहीं लगी है। आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं कहीं पे पैचेस में ही होंगे, यानी कि 8-10 पौधा एक जगह पे मर गया और कहीं पे और 2-3 पौधा मर गया, इस तरह से पैचेस में ही ये बीमारी दिखेंगी। तो इसको अब ठीक करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पौधे में हम लोग को ड्रेंचिंग जो विधि है, तकनीक है फंजीसाइड को अप्लाई करने के लिए, तो वो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ बहुत ही साधारण है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बेबिस्टिन है, कार्बेंडाजिम जिसका नाम लिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, तो इसका मात्रा भी उसी तरह से ज़्यादा रहेगा 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। या अगर बेबिस्टिन ये नहीं है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी किसी हद तक अच्छा काम कर जाएगी, वो भी उसी तरह से 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर के। अब इसमें पूरे पौधे को नहलाना है, इसमें पूरे जगह पर स्प्रे नहीं करना है, तो नोज़ल जो होगा स्प्रेयर का नोज़ल हम लोग यहाँ पे उसका फोर्स से पानी को डालेंगे और इतना डालेंगे कि कम से कम 8-10 इंच के आसपास तक, जहाँ तक इसके जड़ पहुँचे, तो इतने हाइट तक कम से कम के आसपास ये पहुँच जाए, पानी नीचे पहुँच जाए। तो हम लोग को करना क्या है कि जहाँ जहाँ पे ये बीमारी वाले पौधे हैं वहाँ वहाँ पे तो इसका अप्लाई करना ही है, साथ ही साथ जो इसके आसपास में जो स्वस्थ पौधे हैं उसमें भी ये सेम प्रक्रिया अपनानी होगी। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। किसान भाई कभी भी गलती ये ना करे कि इसको स्प्रे करना है, क्योंकि दवाई बेचने वाले बहुत सारी दवाई ऐसे ही दे देते हैं, और कोई भी दवाई इसमें इस्तेमाल मत कीजिए, जो दवाई हम लोग बता रहे हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात है कि पत्तियों पर स्प्रे करिएगा तो ये बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसका वेस्टेज ही करेंगे। तो यही विधि अपनाइए जिससे कि ये बहुत हद तक ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा हम लोग जैसे कि कर रहे हैं कि नए प्रभेद को बना रहे हैं, तो आने वाले 3 से 4 सालों में नए प्रभेद भी मिल जाएंगे।